सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो ये हमारा रूम टूर दे रहे हैं हम। तो ये रहा कुछ हमारा रूम जहाँ पे हम बैठ के स्ट्रीम करते हैं, फेस रिवील तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैठता हूँ बिकॉज यही जगह है अलॉटेड, और ऊपर भी एक रूम है पर वहाँ पे मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट हमारा चलता नहीं है खास। और ये रहा हमारा सेटअप, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो कि ये सेटअप है। ये रूम है हमारा बेडरूम जहाँ पे हम स्ट्रीम करते हैं। और ये रहा कुछ हमारा लैपटॉप जो कि बहुत ही पुराना है, इनकेस आप बताता हूँ आपको कि ये है i3 और इसमें है 4 GB रैम। और आप जैसे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वेयर आउट होने की कगार पे है, देख सकते हो कि पूरा पूरा निशान पड़ रहा है और यहाँ से मैंने तोड़ भी लिया इसको। तो ये है हमारा लैपटॉप जो फ़िलहाल हमारे पापा ने हमको दिया था करीब करीब 3 या 4 साल पहले, तो तब से ये चल रहा है। और इसका मैं यही काम करता हूँ कि मैं इसे स्ट्रीमिंग कर थोड़े बहुत स्ट्रीम कर लेता हूँ और इसमें चैट्स पढ़ता हूँ मैं यूजुअली, बिकॉज चैट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चैट्स रिप्लाई देना पड़ता है, तो चैट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको ऑन रख के इसको देखा करूँ। बिकॉज मेरे पास पिछले बार भी ऑप्शन था कि ऑमलेट अगर स्ट्रीम करने का, तो उसमें चैट्स आते हैं पर थोड़ा डिले होके आते हैं और इसमें एकदम टाइम टू टाइम आते हैं। तो ये है कुछ लैपटॉप जिसको मैं चैट्स पढ़ने का काम आता है। और बताता हूँ मैं अपने ईयरफोन्स और पेरिफेरल्स के बारे में, जो कि है ये जो हमारा मेन डिवाइस है रेडमी नोट 7 प्रो, जिसमें मैं गेम खेलता हूँ और स्ट्रीम भी करता हूँ इसी से। बिकॉज अपने पास एल्गाटो नहीं है तो इसी से हम स्ट्रीमिंग सब कुछ करते हैं। और ये है हमारा 4 GB और 64 GB वाला वेरिएंट। तो ये है हमारा फ़ोन जिससे हम स्ट्रीम करते हैं। और जब मैंने इसको फ़ोन को बाई किया था तो उसकी प्राइसिंग थी कुछ 1599 का और ये मुझे 16 का आसपास ही पड़ा था। बिकॉज उस टाइम पे इसकी बहुत ही सेल ज़्यादा हो रही थी। तो ये था कुछ हमारा फ़ोन। और जो ईयरफोन मैं यूज़ करता हूँ, ये ईयरफोन है इसके, ये कंपनी के रियलमी के बर्ड्स 2। तो जैसे ही फ़ोन लिया उसके 2 महीने बाद मैंने इसको परचेज़ किया था। मैं नौकरी कर रहा था तो मैंने साइड बाय साइड इसको भी परचेज़ कर लिया। उसके भी आप डिटेल्स देख सकते हो कि 799 का दिखा रहा है, पर 799 का नहीं था, ऑफर में था तो 599 का मिल गया था मुझे। तो और अराउंड 600 का मेरे को मिल गया था। और ये बहुत अच्छे ईयरफोन से स्टिल 1 साल हो गए पर अभी भी नया लगता है यूज़ करने में, बिकॉज इसका इंटरफेस इतना सही है। तो दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये है मेरा ईयरफोन जो अभी तक चला रहा हूँ मैं इसको, और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही सही है। पर गेमिंग ईयरफोन्स नहीं है, जो नॉर्मल ईयरफोन्स है वही यूज़ ईयरफोन्स हैं। तो ये है हमारा ईयरफोन, साइड पर रखता हूँ इसको मैं। और फिर ये आता है हमारा माइक। ये माइक कोई बोया का कंपनी का नहीं है, ये जेनेरिक माइक है जो 250 रुपीज़ का मिलता है। तब मैंने लिया था, 250 के करीब ही था ये। एंड ये मेरा वॉइस ओवर देने का काम आता है और बहुत ही बेसिक है। तो बेसिक है सही है पर काम चल जाता है मेरा, तो सस्ते में काम चला था क्योंकि महंगा खरीदे। तो फिर अब आता है ये हमारा डिवाइस जो कि है रेडमी नोट 7 प्रो। जैसे कि आप देख सकते हो ईमेल आ चुका है हमारा। और ये है हमारा फ़ोन जिससे हम स्ट्रीम भी करते हैं और सब कुछ दिखाते भी हैं आपको। तो ये फ़ोन जो है वो है, और कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही है बिकॉज ये पुराना हो चुका है। मैंने इसमें 1 रुपये नहीं लगाया, ना इसका ग्लास चेंज किया है ना इसका कवर। तो कवर भी वही है, बस थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ और येलो पड़ चुका है। तो ये है मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप फ़िलहाल के लिए। और रूम की बात करूँ तो मैं ये नीचे रख के खेलता हूँ और ये मेरा नीचे डेस्क पे है और मैं इधर ही बैठता हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हो इसी क्यूबिक में बैठ के तुम्हारा भाई 4 से 5 घंटे स्ट्रीम करता है। बिकॉज अपने घर में जो चेयर्स है वो नॉर्मल प्लास्टिक के चेयर्स हैं, आप पता है नॉर्मल प्लास्टिक चेयर्स में आपको क्या दिक्कत होती है, एक टाइम के बाद आपको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और पसीने के बाद ख़राब लगता है, थोड़ा अच्छी नहीं आती फीलिंग। तो इसलिए मैंने उसको यूज़ करने जगह नीचे बैठना प्रेफर किया, बिकॉज नीचे बैठना भी चाहिए किसी इंसान को। और यहीं पे बैठ के मैंने 4 से 5 घंटे डेली स्ट्रीम करके जो ये सब्सक्राइबर काउंट है इतना हासिल किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा लो। बिकॉज जैसे इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर 5 घंटे बैठ बैठ के, तो प्लीज़ आप भी थोड़ी मेहनत करके अपने दोस्तों को शेयर करके ये 1300 का काउंट 2K या फिर 10K तक करवा दो, ताकि हम तुम गेमिंग चेयर ले पाएँ और अलग अलग पेरिफेरल्स ले पाएँ और अच्छे से स्ट्रीम कर पाएँ, आप लोग खेल पाएँ। तो ये था कुछ मेरा रूम टूर तो बोल नहीं सकते बिकॉज ये कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। बिकॉज जो रूम टूर मैं बना रहा हूँ उसके लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए, मतलब पैसे तो आपको पता ही है कि कंपोनेंट्स कितने महंगे पड़ते हैं, 2-2 लाख के सिर्फ CPUs आ जाते हैं, फिर मॉनिटर के 25K अलग से। तो उसको बहुत टाइम लगने वाला है, पर कोई ना, जितना टाइम लगेगा हम सफ़र करेंगे, अपना मेहनत करते रहेंगे तब। बिकॉज लैपटॉप से जो है आपके कमेंट्स बहुत जल्दी रीडेबल हो जाते हैं और फ़ोन में थोड़ा टाइम लगता है रीड करने में। तो यही सब था कुछ सेटअप हमारा स्ट्रीमिंग सेटअप।
और रूम टू तो अभी दिखाऊंगा कॉज, अब तो फेस रिवील नहीं करूंगा तो ढंग से दिखा नहीं पाऊंगा, तो माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए। तो गाइज़ हियर वी एंड आर वीडियो, अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड मोटिवेट की होती भाई तो प्लीज़ 21 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं कब तक ख़त्म कर देते हो और देखते हैं क्या होता सीन। तो गाइज तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय, साइनिंग ऑफ मोंग गेमिंग। तो गाइज रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई क्योंकि ये फ़ोन गर्म हो गया, और जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मेरा ही फ़ोन है, वो है सैमसंग का S7। इसमें नेटवर्क सिम कार्ड का इशू हो गया था, इसके वजह से इसमें सिम कार्ड नहीं चलते, तो इसको एरोप्लेन मोड डाल पे डाल के मैं अपना वाईफाई यूज़ कर लेता हूँ, तो मतलब फ़ोन चल जाता है। कॉज इसका रिप्लेसमेंट करूँगा तो बहुत पैसे जाएंगे और रिप्लेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सबको पता है। तो ये था मेरा कुछ स्ट्रीमिंग सेटअप रूम टूर, और ये यहाँ पे वायर देख सकते हो कि पूरा फैला हुआ है, मैं नीचे बैठ के करता हूँ स्ट्रीम, कॉज मोस्ट ऑफ द टाइम को नीचे बैठना फाता है, एंड पता ही आपको कि कंपोनेंट से गेमिंग चेयर कितने के आते हैं, 12-13,000 के आते हैं। तो ये था मेरा कुछ रूम टूर, सस्ता सा, छोटा सा, टिकाऊ सा, और आप लोग भी इसे स्ट्रीम कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबा लो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, कॉज आप लोग को लग रहा हो कि भाई बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते स्ट्रीमिंग के लिए। तो स्टार्ट मैंने इस फ़ोन से ही किया था सिर्फ, और अब जाके मैं इस लैपटॉप। तो ये गाइस हमारा कुछ सेटअप था, और सेटअप पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया कॉज मेरा फ़ोन कल गर्म हो गया, उसके बाद चालू नहीं हुआ, तो मैंने कुछ सोचा कि अब क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो गेम प्ले ही डालते थे थोड़ा सा। तो ये था मेरा बेसिक सा स्ट्रीमिंग सेटअप, अगर आप चाहते हो कि आप भी स्ट्रीम कर पाओ तो आप भी स्ट्रीम कर सकते हो, बस आपको बेसिक सा चीज़ें चाहिए जैसे एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, और आप इंटरनेट ऐसा चाहिए और आप इसे स्ट्रीम कर सकते हो। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 2.5 लाख का पीसी चाहिए या कुछ चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, पता है गेम में कंपोनेंट चाहिए होते हैं, पर आप स्टार्ट तो जीरो से कर सकते हो, एंड जीरो भी नहीं है ये आपके लिए, तो बेसिक सेटअप है, और जितना आप सीखोगे उतना आपके कम है, तो ये आप स्टार्ट तो कर सकते हो इससे। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर लेना, एंड रही बात कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स तो वक्त के साथ आ जाएंगे, तो स्टार्ट करना ज़रूरी है, तो आप स्टार्ट ज़रूर करना, और स्टार्ट ही तो मेन पार्ट होता है। स्टार्ट करने के बाद ही आपको पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना, और स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है, तो अब देखते हैं कितने टाइम में हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे और देखे आते हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं सब कुछ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबा लेना, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि जिस भी बंदे को स्ट्रीम करना है और जिस भी बंदे को आगे बढ़ना है स्ट्रीमिंग की दुनिया में, तो वो भी देख के आगे बढ़ सके। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।